हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल बायो कोऑर्डिनेशन सो लास्ट लेक्चर में हमने हमारा एनिमल टिश्यू कोर्स कंप्लीट किया था इस लेक्चर में एक नए कोर्स के साथ मैं आया हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग कोर्स है हेल्थ एंड डिजीज सो इस कोर्स में हमको क्या पढ़ना है उसका एक बार लिटिल बिट सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें चैप्टर का इंट्रो जिसमें हम इम्यूनोलॉजी इम्यूनिटी हेल्थ क्या होता है डिजीज क्या होता है डिजीज के क्या क्या फैक्टर्स हैं वो पढ़ेंगे फिर टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी कितने टाइप्स हैं तो दो टाइप्स से मैं आ, सिंपल बता दे रहा हूँ इनेट इनेट यानी जो इनबॉर्न होता है और एक्वायर्ड जो बाद में बाद में एडेप्ट किया जाता है बर्थ के बाद ठीक है उस टाइप्स पढ़ेंगे फर्दर कितने क्लासिफाइड हैं ये दोनों ये भी पढ़ेंगे सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम एंटीबॉडी एंटीजन टी इंफोसाइड्स बी इम्फोसाइड ये सब भी पढ़ेंगे फिर स्ट्रक्चर एंड टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी एंड टाइप है उसके बारे में भी पढ़ेंगे नेक्स्ट इज एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन एंड आर एच फैक्टर ठीक है एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन पढ़ेंगे जिसमें वो पांच स्टेप्स आते हैं एग्लूटिनेशन न्यूट्रलाइजेशन ये सब फिर आरएच फैक्टर पढ़ेंगे रिसस मंकी उसमें एग्जाम रिसस मंकी का एग्जाम्पल लेके आरएच फैक्टर में मतलब एंटीजन एंटीबॉडी का ही कांसेप्ट छोटा सा पैथोजन एंड पैरासाइट्स के बारे में पढ़ेंगे और इसी आ, इसी टॉपिक में आगे सब पार्ट है इसका डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीजे इसमें अमीबियासिस है फिलियारिस है फिर कैंसर है एड्स है बहुत सारा डिजीजेस है टाइफाइड है ट्यूबरकुलोसिस है कोलेरा है बहुत सारा डिजीज हम इसमें पढ़ने वाले हैं ठीक है थीके? तो बहुत आ, बड़ा ये कोर्स है इसको सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर के इंट्रो से इंट्रोडक्शन तो वॉट इज हेल्थ हेल्थ इज डिफाइंड एज स्टेट ऑफ कंफर्ट सॉरी कंप्लीट फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबिंग अगर कोई पर्सन कंप्लीट फिजिकली कंप्लीट मेंटली एंड कंप्लीट सोशली क्या है वेलबिंग well है उसको क्या हम कहेंगे हेल्दी पर्सन ठीक है उसको हेल्दी पर्सन हम कहेंगे लेकिन लेकिन अगर उसका एक भी स्टेट बिगड़ा ठीक है फिजिकल स्टेट बिगड़ गया या मेंटल स्टेट बिगड़ गया या सोशल स्टेट बिगड़ गया तो वो क्या हो जाएगा अनहेल्दी पर्सन डिक्लेयर्ड हो जाएगा डिजीज क्या होता है वेन अ बॉडी गोज अवे फ्रॉम द दम्फर्ट जोन ठीक है और अवे फ्रॉम अवे फ्रॉम कंफर्ट और इन डिस्कम्फर्ट जोन ठीक है अगर कंफर्ट से डिस्कम्फर्ट जोन में बॉडी चली जाती है जैसे अभी मैं मानो uh, मैं टीच कर रहा हूँ ठीक है मैं इस कोर्स को टीच कर रहा हूँ अभी अचानक से मेरे सर में दर्द हो जाए तो मैं वीडियो पॉज करके क्या करूँगा रेस्ट लूंगा तो मेरी बॉडी कंफर्ट जोन से डिस्कंफर्ट जोन में चली गई सो आई एम डिजीज्ड पर्सन ठीक है कॉजेज ऑफ डिजीज क्या हो सकता है पहला तो इन्फेक्शन कोई इंफेक्शन हो गया आपको किसी भी पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म के वजह से जैसे किसी बैक्टीरिया से हो गया किसी फंगाई से हो गया किसी वायरस से हो गया जैसे कोरोना वायरस अभी चल रहा है ठीक है फंगाई से हो गया फिर प्रोटोजोवन से हो गया किसी तो पहला तो इन्फेक्शन से हो सकता है सेकेंड क्या है इसका इंटरनल माल फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गन जैसे किसी ऑर्गन में डिफेक्ट हो गया या कॉन्जेना डिफेक्ट यानी जो बर्थ से डिफेक्ट होता है वो हो गया फिर जेनेटिक जेनेटिक डिसऑर्डर डिसऑर्डर जैसे का मैं एग्जाम्पल टर्नर सिंड्रोम अभी आगे हम पढ़ेंगे क्रोमोजोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में टर्नर सिंड्रोम क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम ये सब हम आगे पढ़ेंगे तो ये कैसा हो गया जेनेटिक डिसऑर्डर जो आपके जीन में ही है ठीक है जो आपके जीन में ही है डिसऑर्डर नेक्स्ट इज वट इज इम्यूनिटी और इम्यूनोलॉजी सो वॉट इज इम्यूनिटी अगर सिंपल डेफिनेशन इम्यूनिटी का बोला जाए तो रेफर्स टू अ जर्नल एबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू रिकॉग्नाइज हो ओके रिकॉग्नाइज न्यूट्रलाइज एंड एलिमिनेट फोर एन सब ऑर अ रूलर इन्फेक्शन डिजीज ठीक है फिर वॉट इज इम्यूनोलॉजी इम्यूनोलॉजी इज द साइंस इन विच वी स्टडी द इम्यून सिस्टम इम्यून रिस्पॉन्स टू फॉरिनटिंग ठीक है दिस इज कॉल्ड इम्यूनोलॉजी एंटीजर और एंटीबॉडी में मैं यही पे बता दूं काम इसका आगे है बट मैं इधर ही इसका डेफिनेशन क्लियर करते चलू फॉरन सब्सटेंस इनवेडिंग माई बॉडी एंड केपेबल ऑफ स्टमुलेटिंग एंड इम्यून रिस्पॉन्स जैसे हमको कॉमन कोल्ड हुआ ठीक है जो नॉर्मल सर्दी जुकाम होता है खांसी बुखार बुखार तो कॉमन कोल्ड हमको हुआ ठीक है इट इज अ टाइप ऑफ विरुलट इंफेक्शन ठीक है तो कॉमन कोल्ड हमको हुआ अब एंटीजन जो कॉमन कोल्ड हमारे अंदर एक एंटीजन आया स्टमलेट हुआ और इम्यून को इम्यून ने उसका रिस्पांस दिया कैसे रिस्पॉन्स दिया अब प्रोटेक्टिव केमिकल प्रोड्यूस बाय इम्यून सेल्स इन रिस्पांस टू एंटीजन आर कोल्ड एंटीबॉडी एंटीजन कौन सा है कॉमन कोल्ड हमारे बॉडी में आया तो हमको पता कैसे चला थ्रू अ इम्यून सिस्टम ठीक है तो एंटीजन कौन है एंटीजन वो है जो हमको कॉमन कोल्ड कॉज करता है ठीक है और एंटीबॉडी वो है जो उसके अगेंस्ट में प्रोटेक्टिव केमिकल प्रोड्यूस करता है उसको बोलते हैं एंटीबॉडी नेक्स्ट इज आर थ्री ब्रांचेस ऑफ इम्यूनोलॉजी क्लिनिकल इम्यूनोलॉजी लेबोरेटरी इम्यूनोलॉजी एंड सीरोलॉजी वॉट इज क्लिनिकल इम्यूनोलॉजी स्टडी ऑफ डिजीज कॉज बाय इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर्स ऑफ इम्यून सिस्टम इज कॉल्ड क्लिनिकल इम्यूनोलॉजी इम्यूनोलॉजी लेबोरेटरी रिस्पॉन्सिबल फॉर द लेबोरेटरी टेस्टिंग एंड क्लिनिकल कंसल्टेशन इज कॉल्ड एज लेबोरेटरी इम्यूनोलॉजी एंड स्टडी ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी इंटरैक्शन जब हम एंटीजन एंटीबॉडी के का रिएक्शन पढ़ते हैं ठीक है एंटीजन एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स उनके बारे में पढ़ते हैं ठीक है तो उसको कहते हैं सिरोलॉजी इंटरैक्शन स्टडी ऑफ इंटरैक्शन ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडी इज कॉल्ड सीरोलॉजी ओके सो हमारा यहाँ पे ये टॉपिक uh, खत्म हुआ यानी इंट्रोडक्शन खत्म हुआ अब नेक्स्ट लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ इम्यून सिस्टम के बारे में बात करेंगे तब तक के लिए थैंक यू सो मच